राजधानी भोपाल की बात करते हैं। राजधानी में धर्मांतरण की वारदातें थम नहीं रही है। एक्स बॉयफ्रेंड युवती पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रही, उसने कहा है कि दबाव बनाया है। हिंदू युवती का क्रिश्चियन एक्स बॉयफ्रेंड पर धर्म परिवर्तन का दबाव, इसके आरोप लग रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जान से मार दूंगा, ये आरोप भी उसने लगाया। कई बार युवती को उसके पिता से उसने बातचीत की और कहा कि मारपीट तक हुई है। तो हिंदू नाम अभिषेक शर्मा ये नाम रख के घूम रहा था ये युवक, धर्म परिवर्तन करके शादी करने का पूरा दबाव बना रहा था। दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता, दीपक क्या ये पूरा मामला है, जरा स्पष्ट करें। जी जी, मैं बता दूं, पूरा मामला भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षिका है, जो भरतनाट्यम डांस सिखाती थी, उसके अलावा जो एक कंप्यूटर शिक्षक है, वो भी दूसरे ही उसी स्कूल के दूसरे ब्रांच में पढ़ाता था, जिसका नाम अभिषेक शर्मा बताया जा रहा है। उसने पहले उससे किसी मीटिंग के दौरान बातचीत हुई उन दोनों के बीच, और फिर वो बातचीत बढ़ते बढ़ते प्रेम प्रसंग में बदल गई। परंतु एक रोज जब अभिषेक शर्मा के घर पर उसके किसी परिजन की शादी थी, तो उसने उसे कार्ड दिया, तो उसके ऊपर जो है क्रिश्चियन नीति के कार्ड के ऊपर, शादी के कार्ड के ऊपर साइन लगे हुए थे। उसके बाद जो है पीड़िता, जो मामले में पीड़िता, उसने उससे पूछा कि आखिरकार जब आप हिंदू हो और ऊपर से शर्मा लगा रहे हो, तो आप ब्राह्मण समाज से, तो उसके बावजूद आपके कार्ड पर क्रिश्चियन का क्यों साइन लगा हुआ है, ये इसका कारण बताया। तो उसने इस पूरे घटना क्रम को बताया कि वो जरूर नाम हिंदू का रखता है, परंतु उसने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। उसके बाद जो है पीड़िता ने कहा, यह बात जो पूरी चल रही थी, करीब 7-8 महीने हो गए थे उनके रिलेशन को, तो पीड़िता ने अपने घर पे भी ये सारी बात बता रखी थी कि वो अभिषेक शर्मा नाम के व्यक्ति से बात करती है और उसी से भविष्य में शादी करना चाहती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? जी, अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ मारपीट के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में भी कहना है कि मामले में हमने चालान पेश कर दिया है, अब जो है ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल जो पूरी घटना में जो है पीड़िता का साफ तौर पर यह आरोप है कि जो है उसके ऊपर शादी करने का जो है आरोपी दबाव बना रहा था, और जो धर्मांतरण का जो है दबाव बना रहा था कि अब तुम्हें धर्मांतरण करना होगा और तो ही तुम उससे धर्मांतरण करो और मुझसे शादी करो। तो जब पीड़िता ने मना करा, तो लगातार अभी उससे पीड़िता का आरोप है कि उसे उसके उसको और उसके पिता को टॉर्चर लगातार आरोपी कर रहा है, परंतु पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, नजर बना रखिएगा दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था युवक, और फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है।